ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुमरा बाईपास पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया और एम्बुलेंस न होने की वजह से बीच सड़क पर घंटों शव पड़ा रहा। मुमरा बाईपास एक ऐसा बाईपास है जो खूनी बाईपास के नाम से जाना जाता है। इसी मुमरा बाईपास पर आज एक और एक्टिवा सवार की मौत हो गई। आपको बता दें कि आज करीब 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम मनीष वैती बताया जा रहा है, जो भिमंडी के अंजुर फाटा का रहने वाला है। ये व्यक्ति इसी मुमरा बाईपास से ठाणे की तरफ जा रहा था, मगर मुमरा बाईपास पर हनुमान मंदिर के पास एक्टिवा स्लिप होकर गिर गई। पीछे से आ रहे वाहन की चपेट में मनीष वैती आ गए, जिसमें बुरी तरह से उनका सिर कुचल गया और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बहुत दर्दनाक ये हादसा था, जिसने भी देखा इस हादसे को सहम गया। घटना स्थल पर सूचना मिलते ही मुमरा पुलिस और ट्रैफिक विभाग भी पहुंच गई। आप सभी को मालूम होगा कि मुमरा शहर में कोई भी शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए अब्दुल्ला मामू को बुलाया जाता है, मगर आज उनके एम्बुलेंस में कुछ खराबी थी। इसके अलावा मुमरा शहर में एम्बुलेंस है या नहीं है ये बात की बात है, मगर बाईपास पर हुए इस हादसे में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका शव करीब 1.5 से 2 घंटे रोड पर पड़ा रहा और सिर्फ एम्बुलेंस के लिए। अब सड़क पर शव इसलिए पड़ा रहा कि एम्बुलेंस नहीं थी। इतना बड़ा शहर और एक एम्बुलेंस शव ले जाने के लिए नहीं था। अब सवाल उठ रहा था कि शव को आखिर कलवा शिवाजी अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए। जो लोग वहां घटना स्थल पर मौजूद थे उनमें भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि आखिर एम्बुलेंस कब आएगी। पुलिस ने भी एम्बुलेंस के लिए कई जगह संपर्क किया, मगर कहीं से भी एम्बुलेंस नहीं मिली। एक तरफ शव बीच रोड पर पड़ा रहा, पुलिस एम्बुलेंस का इंतज़ार करती रही, मगर जब कहीं से भी एम्बुलेंस नहीं मिली तब इसी रास्ते से गुजरने वाले एक टेम्पो को रोककर उसमें शव रखकर कलवा शिवाजी अस्पताल पहुंचाया गया। बीच सड़क पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस शहर में न होने की वजह से घंटों सड़क पर शव पड़ा रहा। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा शहर और एक शव उठाने के लिए शहर में एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीच सड़क पर एम्बुलेंस ना होने की वजह से घंटों ये शव पड़ा रहा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।